नाज़रीन, प्रवेश कटक साहब जो कि सबका वज़ीरे आला खैबर पख्तून का भी और वज़ीरे दाखला और वज़ीरे दफा भी रह चुके हैं, उनके इस गैर अखलाकी बयान के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सबका सूबाई मिनिस्टर एजाज आलम साहब। सर, आपने वो बयान सुना, इस बयान के बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये वो लोग हैं जो पार्टियों में रहकर वज़ीरे दाखला रहे हैं, वज़ीरे दफा रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क का दफा करना है कि इस इनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन इतनी भरी हुई है कि ये अकलीतों को इंसान ही नहीं समझते। हमारा वोट या हमारा ब्लड लेना हो तो उसके लिए ये इनको फायदा, जहां से फायदा नजर आ रहा हो, अब एक पगड़ी पहनाने पे उसको जो है अकलीतें जो है वो हकीर नजर आ रही है। तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का मुहासबा करना चाहिए, और मैं समझता हूँ फौरी तौर पर केपी की अकलीतों से गुजारिश करूंगा कि वो ऐसे शख्स को वोट ना दें और उसका मुकम्मल बायकॉट करें। इस शख्स को वोट ना दें या इनकी पार्टी को ना दें? वो जारी बात है, वो वन मैन पार्टी है, उसकी पार्टी कौन सा कोई बहुत बड़ी मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी है, वो वही उसका सरबरा है, और जब उसको वोट नहीं देंगे तो उसको उसकी पार्टी को नहीं जाएगा। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है माइनॉरिटी अलायंस के चेयरमैन अकमल भट्टी साहब। अकमल भट्टी साहब, आपने सुना कि प्रवेश कटक साहब ने एक अकलीती नुमाइंदे से सर पे पगड़ी नहीं रखी और मुसलमान से रख दी, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये इंतहाई नफरत अंगेज, हद तक अंगेज ये उनका इकदाम है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मैं समझता हूँ कोई अगर वो हकीकी तौर पे कोई बादशाह इंसान होते तो फिर ऐसा कदम ना उठाते, और मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ कि उनको फौरी तौर पर उनको इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये करप्ट प्रैक्टिस है, और जो भी शख्स जो भी सियासतदान वो नफरत फैलाता है, सेक्टेरियनिज्म फैलाता है, तो वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि मुआशरे में मजहब के नाम पर और जेंडर के नाम पर तकसीम व तफरीक को बढ़ाना और उस पर अमल करना, लोगों को इस तरह का गंदा सबक देना, मैं समझता हूँ ये एक बैड प्रैक्टिस है, और ये जो मुल्क के आइन है और कवानीन के खिलाफ वर्जी है, इसलिए फौरी तौर पर उनको उनके कागजात रिजेक्ट किए जाएं और उन पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ऐसा शख्स जो अगर ये असेंबली की सीट जीतेगा तो आके फिर असेंबली में भी इसी तरह का गंद फैलाएगा, और वो जहां अकलियतों का ऐसी मिसालों से अकलियतों के पे जुल्म और सितम होता है, हमारा जीना हराम होता है, तो ऐसे अशखास के इलेक्शन लड़ने पे पाबंदी लें, बल्कि मैं समझता हूँ उसकी जमात पे भी पाबंदी लगनी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सैमसन सलाबत साहब जो कि रवादारी के चेयरमैन भी हैं। सैमसन साहब, आपने प्रवेश कटक साहब का बयान सुना, उन्होंने जो गैर अखलाकी रवैया इख्तियार किया है माइनॉरिटी के साथ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कौन कौन सा दुख जो है वो बयान करूं? मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में वो बदकिस्मत शहरी जिनका ताल्लुक अकलियत से है, उनके साथ ये रोज बरोज होता है, कहीं उनको ग्लास में पानी नहीं पीने दिया जाता, कहीं प्लेट में खाना नहीं खाने दिया जाता, तो ये वो इम्तियाजी सलूक है जो रोज जो है वो बर्दाश्त करते हैं। तो ये प्रवेश कटक साहब ने पहली बार नहीं किया, एक जिम्मेदार शख्स है वो। एक कुछ दिन पहले भी इस तरह का वाकया आया जब प्रवेश कटक साहब ने माइनॉरिटी के बंदे से पगड़ी पहनने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहले तो कि इंसान की तजहीक है, जी जी। और दूसरे ये जाहिर करता है कि प्रवेश खटक जैसे लोग जो हैं वो हमारे मुआशरे में एग्जिस्ट करते हैं, हालांकि वो एक मेन स्ट्रीम के सियासतदान है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने वोट सबसे लेना है, लेकिन इसके बावजूद ये देखे कि उनके अंदर तासुब कितना भरा हुआ है, ये उन्होंने पब्लिक में जो है वो इस चीज का इजहार किया है, तो मुजम्मत काफी नहीं है। मुजम्मत हम रोज करते हैं, हम रियासत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे इकदाम जो है वो होने चाहिए जिससे ये तासुब और इम्तियाजी सलूक कम हो, और मैं जिस इलाके से प्रवेश खटक इलेक्शन लड़ रहे हैं मैं वहां की अकलियतों से ये अपील करता हूं कि प्रवेश खटक को आपको वोट नहीं देना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपने। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बड़े सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट जनाब नवाज साहब। नवाज साहब, अभी आपने वो शॉर्ट भी देखा, वो वीडियो भी देखी, तो आप क्या कहेंगे कि प्रवेश खटक साहब के इस रवैये के हवाले से? मजमूई तौर पर मैं ये बात कहूँगा कि प्रवेश खटक का जो ये रवैया है उसका ज़ाती रवैया है, इसे पाकिस्तान के आवाम का, पाकिस्तान के आवाम की जो सोच है उसका कोई ताल्लुक नहीं है, एक शख्स की सोच का ताल्लुक है, और एक सियासी जमात का सरबराह जब इस तरह का रवैया अख्तियार करता है तो इसका मतलब है कि अगर उसका इंतखाब किया जाता है, उसके साथ जो रहने वाले लोग उसके साथ रहते हैं तो वो भी शायद ऐसे ही होंगे, यकीन वो सारे लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन एक शख्स अगर इस तरह का
रवैया रख के जमात चलाता है तो इससे कम अज कम ना सिर्फ पाकिस्तान के आइन की नफी होती है बल्कि लोगों की सोच की नफी होती है, पूरे पाकिस्तान के आवाम के जज्बात को मेरे ख्याल से ठेस पहुंची है। और इसका कम अज कम अजाला यह है कि परवेज खट्टक साहब वैसा ही जलसा करें, उसी तरह का बड़ा जलसा करें और वो जलसा सिर्फ और सिर्फ माफी के लिए हो, अदरवाइज उसका कोई इजाला नहीं हो सकता। उसका इजाला हाँ जो जिन जिस कम्युनिटी की दिला जारी हुई है उसका इजाला ये है कि उनको महसूस करना चाहिए कि जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के आवाम उनके साथ खड़े हैं, इसलिए उसको इस बात को वो दिल पे ना ले, लेकिन ऐसे लोगों के साथ खड़े ना हो जो लोग उनकी सियासी जमात में शामिल हैं जो गैर मुस्लिम कम्युनिटी से, उनको चाहिए कि फौरी तौर पर उसका बायकॉट करें। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ नईम अहमद साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनसे पूछते हैं कि परवेज़ खट्टक साहब के इस बयानियाँ में वो क्या कहते हैं। सर आपने सुना होगा, आपने देखा भी कि परवेज़ खट्टक साहब एक सबका वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर दाखला भी रह चुके हैं, तो उनके इस गैर अखलाकी रवैये में आप क्या कहेंगे? हमारा दीन इस्लाम है और हमारे दीन इस्लाम में ऐसा शिद्दत पसंदी का कोई कहीं भी फिक्र नहीं है, बल्कि हर इंसान को अच्छे तरीके से पेश आने का आने की तरफ। और ये फतह का अपना ज़ाती रवैया हो सकता है, इसका इस्लाम और दीन के साथ कोई फर्क नहीं है। वो किसी को पसंद करते पसंद ना पसंद की ना पा ऐसा चीज रखी है, अगर वो इसको दीन का ऐसा समझता हूँ ये कत्ल ऐसा नहीं है। दीन तो हर बंदे को अपने करीब लाने के लिए कोई बहाना कर सकता है, इसलिए हम ये समझते हैं अगर फतह साहब ने अगर इसको दीन का ऐसा समझता ऐसा किया है या वो तो मुसलमान समझ कर और दूसरे को गैर मुसलमान समझ कर ऐसा किया है तो फिर भी यह कत्ल किसी की जायज नहीं है, मुनासिब नहीं है, अखलाकी नुकता नजर से भी और दीनी नुकता नजर से भी। हाँ अगर उसकी ज़ातियात है कि मैं नहीं पसंद करता, हम उस पर उसकी ज़ात पर अपने जोर नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। आपको जैसे पता है कि परवेज़ खट्टक साहब के किसी गैर अखलाकी रवैये से जो नियतों के जज्बात में शुरू हुए हैं, इस पर हम अपने सीनियर जर्नलिस्ट समीर अफाकी साहब से बात करते हैं। सर अभी आपने देखा कि परवेज़ खट्टक साहब ने एक फतवी की नुमाइंदे से अपने सर पर पगड़ी रखवाई और एक मुसलमान भाई से अपने सर पर पगड़ी रखवाई, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए मुझे जो मेरी सियासी किसी सूबे के सी एम के लगे और किसी किसी जमात के अंदर किसी उनसे इस तरह के किसी भी वैसे तो आम आदमी से भी ये धोखा नहीं की जा सकता, लेकिन इस तरह का जो अहम आदमी होता है वो इस तरह का धोखा कर उससे ना सिर्फ प्रॉब्लम होना है बल्कि उससे इतना ये हुआ कि हम दुनिया भर में क्योंकि एक तो हम कह रहे हैं कि हमारा उदर जो है वो हमारी जो होती है बराबरी है बराबर हम उनके साथ एक अच्छा सलूक करते हैं, तो जब इस तरह का कोई रिश्ते सामने आता है तो वो दुनिया भर में बदनामे का बहस हो सकता है। परवेज़ खट्टक साहब मुझे भी मतलब पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और उन्होंने अगर ऐसा किया है तो उन्हें अपने इस अमल की जो है वो कम्युनिटी के साथ साथ पाकिस्तानी जान से भी माफी मांगनी चाहिए कि आप एक जमात के नुमाइंदे हैं और आप ये तो भी कर रहे हैं कि आप आइंदा चीफ मिनिस्टर बनने की दौड़ में भी शामिल हैं। अगर आप चीफ मिनिस्टर बनने की दौड़ में शामिल हैं तो एक सूबे की जो अकलियत की बरादरी है वो किस तरह से आपसे जो है वो काफ़ चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया।